हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या। वेलकम करती हूँ आप सभी का काव्यास गार्डन गैलरी चैनल में। सो आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो हमारे यहाँ कल रात से ही बादल बहुत छाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिश होगी। तो आप देख सकते हो कि बादल ही बादल है, बट सुबह से कोई बारिश नहीं हुई है फ्रेंड्स। और काफ़ी गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो आपके यहाँ का माहौल कैसा है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कि जब हम नर्सरी से प्लांट्स बाय करते हैं तो नर्सरी से लेकर रिपोर्टिंग तक हम अपने प्लांट्स का ध्यान हमें किस तरह रखना है। जब भी मैं एलमेंडा को छूती हूँ वो मेरे हाथ में आ जाता है। देखिए, इसका फ्लावर हमेशा ही मेरे हाथ में आ जाता है, पता नहीं क्यों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आज कुछ बात करूँगी पेस्ट के बारे में एंड प्लांट्स को रिपोर्ट करने तक आपको उनका ध्यान किस तरह रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक बेस्ट हेल्दी और पेस्ट फ्री या डिसीज़ फ्री प्लांट ही लेना है। यानी हमें इस तरह चूज़ करना है, जैसे एग्जांपल हो गया ये रंगून क्रीपर हो गया, तो इसके काफ़ी सारे प्लांट्स होंगे, 100-150 जैसे प्लांट्स वहाँ रखे होंगे। तो आपको उनमें से एक चूज़ करना है। मैं जानती हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट आप थोड़ा समय लीजिए और हेल्दी प्लांट चूज़ कीजिए। देखिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कहीं उसमें पेस्ट ना लगा हो। तो आपको वहीं अपने प्लांट को अच्छी तरह सिलेक्ट करना है, वहीं आपका जो फ्यूचर है प्लांट का पता चल जाएगा कि वो किस तरह टिकेगा अपने घर में आकर। अब आप प्लांट तो लेकर आ गए अपने घर में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन तक आप उसे रिपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, पानी होता है, सनलाइट होता है, वो सारा डिफरेंट होता है। हमारे प्लांट को मिलता है और हमारे घर का सारा कुछ डिफरेंट होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको 2-3 दिन का रेस्ट दीजिए, देन उसको रिपोर्ट कीजिए। सो अब ये जो 2-3 दिन का जो गैप पड़ता है हमारे प्लांट में, उन टाइम में आपको अपने प्लांट का केयर कैसे करना है। सो आपको अपने प्लांट को एक टब में रखना है, थोड़ा पानी डालकर उसको रखिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि नर्सरीज में प्लांट को जो है ज़मीन पर रखते हैं, मतलब लैंड पे ज़मीन पर ही रखते हैं, तो ज़मीन जो है वो गीली होती है, हमेशा वेट होती है वहाँ पर। तो वो जो प्लांट को है हमेशा ठंडक मिलती रहती है, तो उनकी जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। बट हम जब लेकर आते हैं तो इस तरह हम ज़मीन पर रख देते हैं, जिस तरह हमारे टाइल्स वगैरह होते हैं, तो उनको जो है मॉइस्चर नहीं मिलता, तो उनकी मिट्टी धीरे धीरे सूखने लगती है। तो इससे हमारा प्लांट मर सकता है। तो आपको इन 2-3 दिनों में एक टब में थोड़ा हल्का सा पानी भरकर आप उसमें रख दीजिए। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने अपने प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स थे उनको मैंने एक टब में रखा था। तो आप इस तरह अपने प्लांट को रखिएगा। देन नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट्स लेकर आते हैं तो हो सके तो आप उन्हें शेड में रखिएगा, डायरेक्टली सन में नीचे मत रखिएगा। क्योंकि प्लांट ऑलरेडी उनको मॉइस्चर मिलता नहीं है। मॉइस्चर मिलता नहीं है तो वो गर्मी की वजह से भी प्लांट सूख सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हें शेड में रखिए, और हमारे जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनसे थोड़ा अलग रखिएगा। क्योंकि हम देखकर ही लेकर आते हैं हमारे प्लांट्स को जब भी नर्सरी से लाते हैं, बट हो सकता है उनमें कोई पेस्ट हो, तो वो हमारे जो परमानेंट प्लांट है, जो हेल्दी प्लांट में, उनमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपके नर्सरी प्लांट्स हैं उन्हें अलग रखिए और एक टब में उनको पानी भरकर रख दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है फ्रेंड्स कि आपको अपने जितने भी नर्सरी बॉट प्लांट्स हैं उनमें अच्छी तरह से पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लेना है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि नर्सरी वालों ने कब पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का एप्लीकेशन किया भी है या नहीं भी किया है। तो आपको एक सेफ्टी के तौर पे उन पे हमेशा पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लेना है। आपने देखा होगा मैं जब नर्सरी से प्लांट्स लाई तो मैं काफ़ी दिनों बाद मैंने उनको रिपोर्ट किया, लगभग 10 दिन हो गए थे मुझे रिपोर्ट किए उनको। तो इन 10 दिनों के बीच में मैंने उन पर ज़रूर पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का एप्लीकेशन किया था। मैं जब मैं बाकी प्लांट्स पर करती थी तो उन पर भी मैंने किया था। तो आप थोड़ा उन पर भी कीजिएगा, क्योंकि हम भले ही चूज़ करके लाते हैं एक हेल्दी प्लांट, बट पता नहीं होता कि कहीं नीचे, कहीं ब्रांचेस के नीचे कोई पेस्ट आ गया हो, या यहाँ आने के बाद
कोई इंसेक्ट ग्रो हो गया हो तो आपको हमेशा अपने प्लांट को अच्छी तरह से पेस्टिसाइड फंगिसाइड का एप्लीकेशन कर लेना है रिपोर्ट से पहले। अब आती है बारी रिपोर्टिंग की। तो जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उनको आप पहले तो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोवाइड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइप का प्लांट हो, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, उन्हें एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। पानी कोई भी प्लांट सहन नहीं कर सकता ओवर वाटरिंग। सो आपको पहले तो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल लेना है। देन नेक्स्ट, जब भी आप फर्टिलाइज़र अगर कोई यूज़ करते हो अपने प्लांट्स में, तो हो सके तो आप प्लीज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। अगर नहीं भी है आपके पास, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है, फ्लावरिंग प्लांट आप लगा रहे हो और सिर्फ आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो आपके घर में भी ऐसे काफ़ी फर्टिलाइजर्स हैं। आप देख सकते हो मेरे रिपोर्टिंग के वीडियोस, मैंने घर के ही लगभग अवेलेबल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, जैसे चाय की पत्ती हो गई, एक्सेल्स हो गया, आप केले के छिलके भी डाल सकते हो, आप ऑरेंज के छिलके डाल सकते हो। तो आप इस तरह ऑर्गेनिक उसको रिच फर्टिलाइज़र दीजिएगा। पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन मैंने आपको कहा था कि आप कीजिएगा रिपोर्ट से पहले। देखिए उसका मैं एग्जांपल देती हूँ, आप ये देख सकते हो कि देखिए ये पत्ते कीड़ों ने खाया है, तो इनके इस प्लांट के ऊपर 2-3 कीड़े मुझे दिखे थे, जो पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं वो। देखिए अभी तक मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है, अगर मैं नहीं देखती तो शायद वो पूरा प्लांट ही मेरा ख़त्म कर देता। इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ कि रिपोर्ट करने से पहले आप अपने सारे प्लांट को अच्छी तरह से पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कर लीजिएगा। रिपोर्ट करते वक्त आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हो अपने प्लांट्स को, ताकि वो स्ट्रेस में ना जाए। तो आप एप्सम सॉल्ट एज अ लिक्विड फॉर्म भी दे सकते हो, यानी 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून जितना एप्सम सॉल्ट डालकर दे सकते हो अपने प्लांट को, या तो फिर आप सॉलिड फॉर्म में, यानी 1 स्पून आप रूट बॉल लगाने से पहले आप उसमें एप्सम डाल दीजिए, एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, और फिर अपना रूट बॉल रखकर आप उसे रिपोर्ट कीजिएगा। मैं अपने जितने भी प्लांट्स रिपोर्ट करती हूँ, तो मैंने तो अभी तक एप्सम सॉल्ट दिया नहीं है रिपोर्ट करते वक्त, क्योंकि मुझे ऐसे कोई साइंस दिखे नहीं है। अब पता नहीं क्यों मुझे नहीं दिखे साइंस कोई, बट फिर भी मैं अपने प्लांट्स को ऐसे मंथली एक बार तो एप्सम सॉल्ट देती हूँ। तो अभी मैंने रिपोर्ट की है मेरे सारे प्लांट्स को, तो मेरा टाइम आ गया था एप्सम सॉल्ट देने का प्लांट्स को, तो मैंने इनको भी एप्सम सॉल्ट का पानी दे दिया है। तो वैसे कोई प्लांट स्ट्रेस में तो लग नहीं रहा है मेरे प्लांट्स, फिर भी मैंने इन्हें दे दिया है, क्योंकि साइंस दिखे उससे पहले ही हमें दे देना अच्छी बात है। प्लांट हमें साइंस मतलब सिग्नल दे देता है कि आपका प्लांट स्ट्रेस में है, जैसे वो येलो लीव्स हो जाते हैं, कभी कभी वो अपने सारे लीव्स गिरा देते हैं, कभी कभी येलो स्पॉट्स हो जाते हैं लीव्स पर, तो कभी ये लीव्स जो है एकदम ऐसे लगता है कि बेजान हो गए हैं। तो ये सारे साइंस होते हैं स्ट्रेस के, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, वो ठीक हो जाते हैं जैसे जैसे वो धीरे धीरे सेट होते हैं हमारे सॉइल में, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको एप्सम सॉल्ट का पानी आप ज़रूर दे दीजिएगा, या लिक्विड फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में आप ज़रूर दीजिएगा, आपका प्लांट हेल्दी ही रहेगा। सो पेस्ट जो होते हैं सीज़न के हिसाब से होते हैं फ्रेंड्स, जैसे विंटर्स में हमें वाइट फ्लाइज देखने मिलते हैं, समर्स में हमें मिली बग्स देखने मिलते हैं, एंड मॉनसून में हमें दोनों देखने मिलते हैं। मिली बग्स का भी प्रॉब्लम होता है, वाइट फ्लाइज का भी प्रॉब्लम होता है। तो हमें अपने प्लांट्स को हमेशा रेडी रखना है पेस्टिसाइड, उन पे हमेशा हमें स्प्रे करना है, ताकि हमारे प्लांट पर कोई पेस्ट लगे ही ना, और अगर लगे हो तो उन प्लांट्स को आपको अलग रखना है। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स फ्रेंड्स की, जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हो तो रिपोर्टिंग के बीच के जो वक्त में आपको अपने प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपने प्लांट की केयर कैसे करते हो रिपोर्टिंग तक नर्सरी से लेकर आने के बाद से, तो शायद मुझे भी कोई काम आ जाए कुछ पॉइंट्स। तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कुछ हेल्प करने की, शायद मैं कर पाई या नहीं कर पाई, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी बी स्ट्रॉन्ग। Bye friends.